आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं इंग्लिश में यूज लेकर आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड यूज लेकर आया हूँ। आज का वर्ड जो है वो वर्ब है, वर्ब। और एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर चले जाना, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बना के डाल दिया हूँ। ठीक है जी, एक बार देख लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर में आप एक्सपर्ट हो जाओगे बहुत कम कम समय में, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं आए। और एक कॉपी जरूर बना लेना, सबका यूज नोट जरूर करते रहना, या दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को देखते रहना, जैसा आपको ठीक लगे वो आप हिसाब से करना। आना चाहिए परफेक्टली, समझ गए। आज जो यूज है, मैं एक नॉर्मल वर्ब लेकर आया हूँ, वर्ब नो, के एन ओ डब्ल्यू, हाउ टू यूज प्रिंसिपल वर्ब नो करेक्टली। इन आवर नेशन 99% persons डोंट नो हाउ टू यूज नो इन इंग्लिश। नो का यूज कैसे करेंगे इस वर्ब का, हमारे देश के अंदर लोग नहीं जानते हैं। लगभग लगभग 1-8% जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वही जानते हैं, कॉमनली स्पोकन में बताया ही नहीं जाता है। जैसे देखो, मैं आपको सेंटेंस पहले क्लियर करता हूं। मैं कह रहा हूं मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, या मैं अंग्रेजी बोला जानता हूं। हाउ यू विल से इन इंग्लिश, यू कैन से आई नो स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। नाउ यू कैन आल्सो से आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, नाउ यू कैन आल्सो से आई नो टू स्पीक इंग्लिश। दीज थ्री सेंटेंसेस विच हैव बीन रिटन बाय मी जस्ट नाउ, ऑल द सेंटेंसेस आर फुल्ली इनकरेक्ट। ये जो मैंने तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं ना, कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, उसकी इंग्लिश में लिखा हूं, ये तीनों सेंटेंसेस गलत है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। लेकिन अक्सर लोग इसी में से कोई ना कोई यूज करते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, तो आई नो प्ले क्रिकेट, आई नो प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गाना जानता हूं, तो आई नो सिंगिंग, आई नो सिंग अ सॉन्ग। समझ रहे हैं, भाषा तभी अच्छी होती है जब भाषा में ना, समझ गए, ग्रामर का मिठास हो, ग्रामर का तड़का लगा हुआ हो। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ जोक इन आवर नेशन, बट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली इज अ हरकुलियन टास्क, लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। आप अगर एक तो हमारे देश में इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात है, और उसमें अगर आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसकी तो और बहुत बड़ी बात है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना पॉपुलर वर्ड है नो, कि हर जगह आप 10 सेंटेंस बोले इसमें नो आ जाएगा। तो आपने अंग्रेजी में बोला कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई सेंटेंस नहीं होगा। अब आप ध्यान से सुनो, एक छोटा सा रूल है, उस रूल के मैं दिमाग में छाप देता हूं, आज बार दिखते नहीं होगा, बोलने में मजा आएगा। ये बहुत जानते, ये बहुत क्यूट सा वर्ड है, ये क्यूट वर्ड है, ये बोलने में मजा आएगा इसका यूज करने में। अब देखो आपको करना क्या है, जब भी आप नो का यूज करोगे, जब भी माथा में फिट कर लेना, जब भी आप नो का यूज करोगे इसके साथ हमेशा हाउ टू का यूज किया जाता है। जब भी आप नो का यूज करेंगे, आप फिट कर लेना, इसके साथ हाउ टू का यूज किया जाता है। हाउ टू आएगा ही आएगा, नो आएगा, हाउ टू आएगा। अब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तब क्या कहोगे इसको? आप कहोगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलना जानता है, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं लोगों को ठगना जानता हूं, आई नो हाउ टू चीट पीपल, हाउ टू चीट पीपल। ऐसा ऐसा काम मत करना कि जीवन में किसी को धोखा मत देना, दूसरा धोखा दे 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 दे, लेकिन अपने जीन में कभी मत आना। हमेशा ईमानदार रहना, मेहनत रहे करना, परिश्रमी बनना, जीवन में हमेशा जय जयकार रहेगी। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन मजा आएगा, शान से जियोगे। समझ गए आप?
हाउ टू का यूज करना हमेशा, मैं गाना गाना जानता हूं, हाउ नो हाउ टू सिंग। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको हाउ टू का यूज करना है नो के साथ आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, अपने अपने का ख्याल रखो, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।